हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैम पर एक इनवॉइस को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। अच्छा, जब भी एक ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर में बायर को क्या क्या करना होता है और सेलर को क्या क्या करना होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इनवॉइस जनरेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ जाते हैं और जानते हैं किस तरीके से इनवॉइस को जनरेट करते हैं। तो हमने अपना जैम पोर्टल लॉगिन कर लिया है और इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर में और उस ऑर्डर को सिलेक्ट करना है जिसने हमें इनवॉइस बनानी है। यहाँ पे मेरा ऑर्डर शो हो चुका है। मुझे जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर है इसका मुझे इनवॉइस बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई है। यहाँ पे क्वांटिटी 200 दिखा रहा है हमें और जो यूनिट प्राइस इसका 315 है, ठीक है। और टोटल ऑर्डर वैल्यू ये दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है यहाँ पे दिखा रहा है 31 जनवरी। 31 जनवरी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड निकल जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट अमेंडमेंट करना पड़ता है। मतलब जो डिलीवरी डेट है जो उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जब तक ये डिलीवरी रिक्वेस्ट बायर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होगा अमेंडमेंट, तब तक यहाँ पे हमें जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि अभी जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है तो हमें सिंपली जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपना ई वे बिल और बिल अपलोड करेंगे हम। मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, ये हमेशा PDF के फॉर्म में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो इसके जो वर्ड के कैरेक्टर्स है, ये भी इनके बीच में अगर स्पेस होगा तो वो नहीं लेगा और इसका जो है वो PDF फॉर्म में ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। मेरा बिल अपलोड हो गया, मैं ई वे बिल अपलोड कर रहा हूँ। मैंने ई वे बिल भी अपलोड कर दिया है। कई बार कुछ इशू सर्वर इशू के कारण यहाँ पे अपलोड नहीं होता है। अगर आपका ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे अपलोडेड नहीं होता है तो आपको पेज रिफ्रेश करके करना है, ठीक है। मेरे ये दोनों जो PDF है वो अपलोड हो चुके हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल फिलअप करनी है। इनवॉइस नंबर क्या है, मैं फटाफट से अपनी इनवॉइस डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड बिलिंग एड्रेस है वो यहाँ पे शो करेगा। मैनुअल शो किया है मैंने। डिस्पैच जो मेरा डिस्पैच मोड है वो मैनुअल है, सिलेक्ट किया मैंने। बायर प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बायर सिलेक्ट किया है। मेरा जो स्टेट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, प्लेस टू सप्लाई, जो प्लेस मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे वो स्टेट सिलेक्ट करना है, ना कि हम जिस सिटी में हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्लेस टू सप्लाई, तो जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़रा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सप्लायर टाइप का, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट आएगा। यहाँ पे लगता है कि ये सिलेक्शन इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट, तो इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपका बायर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट आएगा। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब आप गुजरात में हैं और आपको दिल्ली में सप्लाई करना है तो वहाँ पे इंटर स्टेट आएगा, ठीक है। ये इंटर स्टेट आएगा और आपका और बायर का स्टेट एक ही है तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट आएगा। मेरा जो स्टेट है वो सेम है तो मैंने इंट्रा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल और फिल करनी है। सप्लाई क्वांटिटी, तो हम एक बार में सप्लाई क्वांटिटी 200 कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कई लोगों के कि अगर हम दो स्टेप में करेंगे, मतलब हमें पहले 100 एग्जाम्पल के लिए पहले 100 क्वांटिटी करना है फिर हम 100 क्वांटिटी कुछ टाइम बाद करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी की कंडीशन में ऐसा है कि मैं 200 कर रहा हूँ। अगर आपको 100 करना है तो आपको दोबारा से ऑप्शंस मिलेंगे, इसके आपको दोबारा जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे HSN कोड डाल रहा हूँ इसका, ठीक है। और बस ये चीज़ें फिलअप करनी है। कई बार यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, UT GST यहाँ पे 0 आता है, तो सिंपल आपको एक बार सिलेक्ट करके कहीं अनसेलेक्ट करना है, ठीक है।
बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसा जीरो आ रहा है सिर्फ ऐसा इस तरीके से आ रही वैल्यू, तो ये दिक्कत है ना आपको ना एज इट इज यहाँ पे 0.00 आना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ एक्सेशन कोड डालना मैंडेट है, बस इसके अलावा और कुछ मैंडेट नहीं है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ ऑर्डर वैल्यू जरूर चेक करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारा एज इट इज होना चाहिए जब हमने क्वांटिटी यहाँ पे 200 डाल के रखी, एज इट इज क्वांटिटी डाल के रखी हो तो, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा बिल यहाँ पे शो किया। एक बार आप दोबारा चेक कीजिए इसको, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, HSN कोड, GST और टोटल वैल्यू, ठीक है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे हम और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया हमें एक ऑप्शन आएगा हमें वेरीफाई लेटर या प्रोसेस प्रोसेस टू ई वेरीफाई। ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम ये नहीं करेंगे तो बायर को ये हमारा इनवॉइस है वो डिटेल नहीं दिखेगी, ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी प्रोसेस टू वेरीफाई करूँगा, तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं इतने सारे वेरीफाई करने के, ई साइन के द्वारा कर सकता हूँ, DSA से कर सकता हूँ या OTP से कर सकता हूँ। मोबाइल नंबर में OTP डालूंगा और यहाँ पे सिंपली वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। मैं जैसे वेरीफाई करूंगा ये डन हो जाएगा मेरा प्रोसेस। अब इस तरीके से इनवॉइस को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को मेरे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जैम से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।